फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शानदार इफेक्ट वाली एक डेकोरेशन लाइट बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी त्योहार आने वाले हैं, यानी कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, और त्योहारों पर हम क्या करते हैं, अपने अपने घर पर डेकोरेशन लाइट लगाकर अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने घर पर ही एक अच्छी सी इफेक्ट वाली डेकोरेशन लाइट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने सामान परचेज किया है वो हमने सारा अपनी लोकल मार्केट से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, वहाँ से परचेज किया है। ये होल्डर है, ये वायर है, 2 कोर की फ्लेक्सिबल वायर, 1 mm या फिर 0.7 mm की ले सकते हैं। ये कलरफुल बल्ब लिए हैं हमने, तो ये इनका सबका लिंक मैंने वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं जितना भी प्रोडक्ट इसके अंदर यूज करूंगा सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसके अंदर हम कितने बल्ब को यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स का हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि हम इसके ऊपर कितने बल्ब को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसके ऊपर आप इतने बल्ब लगा सकते हैं, इतने बल्ब लगा सकते हैं, आप कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस तरह से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, आप कितने भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी बल्ब को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बनाने से पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये निश्चित करेंगे कि हमें जो इस तरह से बल्ब लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इन बल्ब के बीच की जो दूरी होगी फ्रेंड्स वो कितनी रखनी है, इतनी रखनी है या फिर इतनी इतनी रखनी है। ठीक है, जैसे इसकी इसकी इन दोनों के बीच की दूरी, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। कहने का मतलब है, आपको ये देखना है कि इन जो दो होल्डर लगाएंगे हम, दो लाइट लगने वाली है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस वायर को कट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी दो लाइट इतनी दूरी पे लगनी चाहिए, पहली लाइट यहाँ पे, दूसरी लाइट यहाँ पे, तीसरी लाइट यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से वायर को यहाँ पे कट कर लेंगे, और इस तरह से हमें कम से कम जितने भी होल्डर लगाने हैं उनसे उतने ही हमने कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस तरह से काफी सारे ये वायर के टुकड़े कट कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट बना के कंप्लीट दिखा दूंगा। इस तरह से हम यहाँ पे 6 सर्किट बनाने वाले हैं, यानी कि 6 चैनल बनाएंगे हम, और उसको इफेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट बना दूंगा और उसके बाद 5 मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, 6 के 6 को कैसे कनेक्शन करना है जोड़ के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से होल्डर लेना है। ठीक है, ये होल्डर ले लीजिए आप। इस तरह से होल्डर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला होल्डर है इसके जो कैनोपी होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पे होल्डर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वायर को आपको यहाँ पे जोड़ देनी है, दूसरी वायर को आपको इस दूसरे वायर टर्मिनल पे जोड़ देनी है। ठीक है, इस तरह से वायरिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छील छील के यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जो होल्डर की कनोपी होती है ऊपर की, उसके अंदर इस तरह से 2 वायर निकालनी है। 2 वायर किस लिए फ्रेंड्स, जब हम क्या करेंगे, इस होल्डर से ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से ये जो होल्डर है इसके अंदर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और ये वाली जो केबल है फ्रेंड्स वो आगे वाले होल्डर के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, और वहां पे क्या करेंगे, ये वाली चली जाएगी, और फिर उससे आगे वाले की जो वायर आएगी वो भी हम उसके साथ में ही जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक और रेड कलर की 2-2 वायर हैं। इन दोनों वायर को ब्लैक के साथ जोड़ेंगे और रेड को रेड के साथ जोड़ेंगे, जिसके अंदर क्या है, 2 टर्मिनल बन जाते हैं, यानी कि 2 वायर बन जाएगी। उन दोनों वायर को फिर हम होल्डर के दोनों टर्मिनल पे एक एक करके कनेक्ट कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर समझाने का थोड़ा सा ज्यादा हमने लिया है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने रेड कलर की वायर जोड़ दी, और यहाँ पे दूसरे वाले टर्मिनल के अंदर हम ब्लैक कलर की वायर को जोड़ देंगे। आपको जो कनेक्शन करने हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे से कनेक्शन करने हैं, ताकि ये खुले ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी कंप्लीट हो गया है एक होल्डर। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो इसकी कनोपी है इसको हम बंद कर देंगे, और क्या करेंगे, इनमें से एक वायर लेंगे और इसके साथ एक वायर और ले लेंगे। ठीक है, एक वायर को हमने इसी तरह से छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि इसके अंदर जाएगी सप्लाई कनेक्ट करेंगे हम,
और जो आगे वाला है इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर को आगे वाला जो होल्डर है, जो होल्डर लगाएंगे उसके कनोपी के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले में छील के दोनों को ब्लैक के ब्लैक के साथ, रेड का रेड के साथ छील के कनेक्ट करके होल्डर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम सीक्वेंस में चार बल्ब को, चार होल्डर को जोड़ लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला जो हमारा होल्डर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने यहाँ पे चार होल्डर को लगाया। आप इस तरह से कितने भी होल्डर लगा सकते हैं एक लाइन के अंदर, हमने यहाँ पे चार लगाए हैं, ठीक है। और जो ये वाली है इसके अंदर हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से छह सर्किट बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये चार होल्डर हैं, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर ली, ठीक है, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया जो कि ये है ब्लैक कलर, ब्लैक, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिर आगे वाले के पहले वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया, फिर इस वायर को हमने ब्लैक, सिर्फ ये ब्लैक वायर चल रही है फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर इस टर्मिनल को हमने आगे वाले होल्डर के साथ इस तरह से जोड़ दिया है। अभी जो दूसरी रेड कलर की वायर है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया और यहीं से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इस तरह से हमने ये कनेक्शन किए हैं इसके अंदर, होल्डर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये चार किए हैं, चार के चार आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमने बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह की जो सीक्वेंस है वो हम छह सीक्वेंस बना के आपको दिखा देते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे छह लड़ियों को तैयार कर लिया है। एक सीक्वेंस ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छह, इस तरह से हमने छह लड़ी को तैयार कर लिया है। इनकी जो फाइनल लीड निकलती है फ्रेंड्स, इस तरह से ये छह लीड निकल जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन छह लीडों को इस तरह से एक साथ करना है, ठीक है। तीन ये होगी और तीन ये होगी। इनमें से क्या क्या करना फ्रेंड्स, जो ब्लैक कलर की वायर है इनके अंदर जो जो ब्लैक ब्लैक वाली है उनको कॉमन बना लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सारी लीड में से जो ब्लैक कलर की वायर है इनको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, यानी कि एक साथ इकट्ठी कर लेंगे। तो ये तीन हमने ले ली है, चार, चार, पांच और ये लास्ट छह। इस तरह से हमने छह की छह वायर को हमें क्या करना है, एक साथ ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो छह वायर थी ब्लैक कलर की वायर उनको एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे ब्लैक कलर की अलग से और उनको भी, उस वायर को भी हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मोटा बन गया फ्रेंड्स, काफी ज्वाइंट हो गए ना, छह वायर एक साथ जोड़ दी है, सातवीं वायर हम अलग से जोड़ रहे हैं इसलिए ज्यादा मोटी बन गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पीवीसी टेप लेंगे इस तरह से और ज्वाइंट लगा देंगे। तो फाइनल जो हमारी यहाँ से लीड निकलेगी वो एक लीड निकलेगी फ्रेंड्स, जिससे क्या हम आगे ज्वाइंट लगाएंगे, आगे जहाँ पे भी जोड़ेंगे हम इसको, उसको जोड़ने में आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स। अभी ये फाइनल यहाँ से एक वायर निकल जाती है ये। अब हम न्यूट्रल यहाँ पे दे सकते हैं, ब्लैक कलर में न्यूट्रल देते हैं तो हम यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी एक कॉमन वायर बन गई है। और जो ये रेड कलर की वायर है ये छह की छह अलग अलग बन जाती है, यानी कि छह चैनल हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अभी हम कनेक्शन करने वाले हैं फ्रेंड्स फाइनली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारी लड़ियां हैं इनको हम इनके अंदर बल्ब को लगा लेते हैं, और जो फाइनल हम कनेक्शन करने वाले हैं फ्रेंड्स वो हम इस चेजर सर्किट के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोवाट का ये चैनल है, यानी कि 1 किलोवाट एक चैनल के ऊपर हम लोड डाल सकते हैं, 1 किलोवाट पर चैनल। तो ये 6 चैनल है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम 1 किलोवाट 1 किलोवाट 1 किलोवाट यानी कि 6 किलोवाट लोड यहाँ पे डाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसको ज्यादा भी लोड वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन दिए गए हैं, हम इसके आपको दिखाएंगे किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। आपको ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है आपको ये ममता वाला ही लेना है, आपको और कंपनियों के भी मिल जाते हैं, जिसके आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे फंक्शन दिए होते हैं स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है ये चेसर सर्किट है फ्रेंड्स, चेसर कंट्रोलर है ये लाइट का, ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी के कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर सी लिखा हुआ है, जहां पे सी लिखा हुआ है वो वाला टर्मिनल कॉमन रहता है। तो हमने ये वाली वायर है जो कॉमन बनाई थी, इस वायर को हम कॉमन वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है,
जो पहले नंबर पे हमें लड़ी लगानी है वो वाली जोड़ेंगे, दूसरे वाली, तीसरे वाली, चौथे वाली, पांचवे वाली, छठे वाली, इस तरह से सीक्वेंस में जोड़नी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन वायर को जोड़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स जोड़ना बिल्कुल ही आसान होता है, किसी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी पेचकस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। इसको सिंपली यहां से इस तरह से प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ऊपर से इसको इसके अंदर डाल देना, उसके बाद ये कनेक्शन हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी कनेक्शन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा जो वायर है हमने पहले नंबर पे लगाएंगे उस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे लगाएंगे हम उस वायर को हम प्रेस करेंगे इस तरह से कनेक्टर को और इसके अंदर जोड़ देंगे। इसी तरह से हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी को सब जोड़ देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने छह लीड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कॉमन वाली को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब भी हम इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो ये बल्ब है इनको लगा के, कलरफुल लगा के इसका ट्रायल करके देखने वाले हैं। आपको इसके अंदर क्या करना है, जो इसकी जो पावर की केबल है फ्रेंड्स, इस पावर की केबल को सप्लाई के अंदर कनेक्ट कर देना है और यहां से ये सीक्वेंस में चलेगा और यहां से आप इसकी दो नंबर, दो चैनल को चला सकते हैं, तीन को चला सकते हैं, चार, पांच, छह अलग अलग मतलब कि एक्शन दे सकते हैं और यहां से इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइटिंग को, चसबुज चसबुज को। ठीक है, तो चलिए इसको फाइनली हम देखते हैं इसको चला। फाइनली हमने यहां पे इसके अंदर बल्ब, लड़ियों के अंदर बल्ब लगा के सेट कर लिया है और आप यहां पे देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर हमने पीछे से सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही हमारी ये लाइटें जलने लग जाएंगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके अंदर जो इफेक्ट है, इफेक्ट को सिलेक्ट करना कि कैसे इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पांच चैनल को, छह चैनल को सिलेक्ट कर लिया। तो पहले ये चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से सीक्वेंस में चलेगी। अगर हम इसकी स्पीड को ज्यादा करना है तो स्पीड को इस तरह से बढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी चलने लग जाएगी ये। ठीक है, अगर हमें पहले इधर और फिर इधर से ही इधर लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले उस पर ले जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी डेकोरेशन लाइट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।